हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज उत्तराखंड में खिचड़ी संक्रांति मनाई जाती है। खिचड़ी संक्रांति में हम लोग उड़द दाल की खिचड़ी खाते हैं, तो आज मैं इस खिचड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली बनती है, गीली नहीं बनती है। और हाँ, इसको हम पापड़ के साथ और घी के साथ खाते हैं। गाँव में कहा जाता है कि जो संक्रांति के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी नहीं खाता, वो अगले जन्म में स्नेल बनता है। तो हम तो शायद बचपन से इस दिन को ये खिचड़ी खाते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं नया अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन झट से आ जाए। मैंने आधा कप दली हुई उड़द दाल ली है, इसको भिगो लिया है। एक कप चावल लिया है, इसको भी धोकर 2 घंटे भिगो लिया है। आधा कप मटर लिया है। प्रेशर कुकर गरम कर लेते हैं और इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देते हैं। जैसे ही मेरा घी पिघलेगा, इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। इसमें 1/4 चम्मच हींग डालें। जीरे को थोड़ा भूरा होने देते हैं। इसमें अब 7 से 8 साबुत लौंग डालें, इनको भी चटकने देंगे। 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के भी डालें। इस सबको एक बारी हिला लेते हैं। इसमें अब मैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून कतरा हुआ अदरक डालेंगे। इस खिचड़ी में अदरक का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। इसको थोड़ा भून लेते हैं। अब आई मसालों की बारी। इसमें 1 चम्मच हल्दी डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें और स्वाद अनुसार लाल मिर्चा डालें। टमाटर को और मसालों को 2 मिनट पका लेते हैं। इसमें मैं अब अपनी भीगी हुई उड़द दाल डाल दूंगी। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। मैं इसमें 2 बड़ी इलायची भी डालूंगी, इनको मैंने तोड़ लिया है। अब इस दाल को हम ढककर करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और मेरे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम अपने चावल डाल सकते हैं। मैंने 1 कप चावल लिए हैं और इनको करीब 2 घंटे भिगोया था। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें हम अपने मटर भी डाल देंगे। अब इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। आप इस खिचड़ी की रेसिपी में चावल से 3 गुना पानी डालें। इस सबको मिक्स कर लेते हैं। और अब प्रेशर कुकर बंद कर लेंगे। हम इसको करीब 8 से 10 मिनट प्रेशर कुक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, प्रेशर कुकर खोल के दिखाती हूँ। देखिए, खिचड़ी तो बिल्कुल खिली खिली पुलाव जैसी बनी है। इसको हल्के हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा चम्मच घी गरम किया है, उसमें मैंने कुछ लौंग और 1 लाल मिर्च डाली है। इसका तड़का इस खिचड़ी में डाल देते हैं।
देखिए मेरे चावल कितने बढ़िया अलग अलग हैं। और हाँ, है तो ये उड़द दाल की खिचड़ी है। तो इस मकर संक्रांति आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये खिचड़ी अपने में एक कंप्लीट मील है। इसमें सब्जियां हैं, दाल है और चावल हैं। कुछ घंटे रखने के बाद भी देखिए ये खिचड़ी अभी भी बिल्कुल खिली हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। तो मिलते हैं अगली बार।